वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपने पीसी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर वाईफाई ड्राइवर कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। तो वाईफाई ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल करने की ज़रूरत हमें तब पड़ती है तब हमारे पीसी के अंदर जब इंटरनेट नहीं चलता है वाईफाई चिप लगाने के बाद में, या फिर अगर हमारे पीसी के अंदर इनबिल्ट अगर वाईफाई है तो अगर वो वर्क नहीं कर रही है या फिर शो नहीं हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमें वाईफाई ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो आज की इसी वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप वाईफाई ड्राइवर को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। तो मैं ऐसे गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। गूगल क्रोम को ओपन होने के बाद आपको इसके सर्च बार में यहाँ पर सर्च करना है डाउनलोड वाईफाई ड्राइवर फॉर विंडोज़। तो जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड में एंटर प्रेस करना है, और एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इंटेल की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना होगा, इंटेल वाली वेबसाइट पर। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंटेल की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर सिलेक्ट है वाईफाई ड्राइवर का, और आप ऊपर देख सकते हैं विंडोज 10 एंड विंडोज 11 वाईफाई ड्राइवर फॉर इंटेल वायरलेस अडेप्टर्स। तो उसके बाद हमें यहाँ पर अवेलेबल डाउनलोड्स में यहाँ पर नीचे हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा विंडोज 10 64 बिट और एक आएगा विंडोज 10 32 बिट। तो अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम प्रेफरेंस, अगर आपको सिस्टम अगर 32 बिट को सपोर्ट करता है तो आपको ये वाला सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड करना है, और अगर 64 को अगर सपोर्ट करता है तो यहाँ से ये ड्राइवर आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मेरा सिस्टम यहाँ पर 64 को सिलेक्ट कर लेता है, तो सिंपली मुझे इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से इसे आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमारा डाउनलोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। तो उसके बाद इस टैब को यहाँ से क्लोज कर देना है, और उसके बाद जाना है हमें अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में। तो मैं अपने डाउनलोड्स के फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा सेटअप आ जाएगा, तो इसे इंस्टॉल करने के लिए इस वाईफाई ड्राइवर के सेटअप को, तो हमें सिंपली इस पर डबल क्लिक करना होगा। तो जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और ये लोडिंग ले रहा है, और इसकी इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप थोड़ा सा इसमें इंतज़ार करना होगा आपको इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का। तो उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करके इसके टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक करना है। और जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करोगे उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगी थोड़ी देर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इतनी तो यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली हमारे पीसी के अंदर ये ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो हमें फिनिश पर क्लिक करना है, और जैसे फिनिश पर क्लिक करेंगे बस आपका काम यहाँ पर हो गया। उसके बाद आपके पीसी के अंदर वाईफाई बिल्कुल 100% वर्क करना स्टार्ट कर देगी, और अगर फिर भी अगर आपके पीसी के अंदर अगर वाईफाई अगर वर्क नहीं कर रही है या फिर ये ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद भी अगर आपके पीसी के अंदर इंटरनेट नहीं चल रहा है या फिर वाईफाई शो नहीं हो रही है, तो आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना होगा जो कि जल्दी आने वाला है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।